बड़ी खबर यूपी के आगरा से है। आपको बता रहे कि ताजमहल पर दो पर्यटकों द्वारा पेशाब किए जाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा भर गया, जिसको लेकर के हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी ताजमहल को तेजो महालय महादेव मंदिर बता करके उसको शुद्ध करने के लिए गाय का गोबर गंगा जल हाथ में लेकर ताजमहल के पश्चिमी गेट के अंदर एंट्री करने लगे। तभी उन्हें पुलिसकर्मियों और CISF द्वारा रोक लिया गया, जिसे रोक लेकर के हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा भरा हुआ है। ताज सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों में हलचल उस वक्त बढ़ गई जब एक हिंदूवादी नेता ताजमहल के भीतर गाय का गोबर और गंगा जल ले जाने की जिद पर अड़ गया। आपको बता दें कि मामला रविवार सुबह ताजमहल पश्चिमी एंट्री गेट का है, जहां हिंदूवादी नेता गोपाल सिंह चारा ताजमहल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल और गाय का गोबर ताजमहल के भीतर ले जाने की जिद पर अड़ गए। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने हिंदूवादी नेता को गेट पर ही रोक दिया और अंदर आने को लेकर के काफी देर तक गर्मा गर्मी भी हुई है। बीते दिन आगरा ताजमहल घूमने आए दो पर्यटकों ने ताजमहल के अंदर पेशाब किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। वायरल वीडियो के बाद हिंदूवादी नेता हिंद महासभा के प्रदेश संयोजक गोपाल सिंह चौहान ताजमहल को शुद्ध करने के लिए आज सुबह गंगा जल और गाय का गोबर लेकर के ताजमहल में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। हिंदूवादी नेता का कहना है कि ताजमहल तेजो महालय महादेव मंदिर है, पर्यटकों के पेशाब करने से वो मंदिर अपवित्र हो गया, जिसे वो पवित्र करना चाहते हैं। मेरा नाम गोपाल चाहर है और मैं प्रदेश संयोजक हिंदू महासभा का। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि समाज के कुछ अवांछनीय तत्वों ने ताजमहल परिसर के अंदर डंके की चोट पर टॉयलेट किया। ये बेहद चिंता का विषय है कि पुरातत्व विभाग और CISF के लिए करोड़ों रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, इसके बाद भी इतनी बड़ी बदतमीजी कैसे हुई, जबकि ये सब लोग जानते हैं ये सनातन संस्कृति का केंद्र है, ये शिव मंदिर है, तेजो महालय का मंदिर है, और यहाँ इन लोगों ने सनातन संस्कृति को प्रहार करते हुए उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हुए डंके की चोट पर टॉयलेट किया और सारे समाज को ये बता दिया कि हम ऐसे ही करेंगे, हमें हृदय में बड़ा क्षोभ दें। आज मैं गोपाल चार प्रदेश संयोजक हिंदू महासभा आज आया हूँ और ये मेरे हाथ में गंगा जल है और ये बहुत पवित्र गोबर है, मैं इसे लीपूंगा उस स्थान को जहाँ इन आवंछनीय तत्वों ने टॉयलेट किया है, और ये गंगा जल से मैं पूरे क्षेत्र को पवित्र करूंगा। शिव मंदिर है, यह मेरा अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है मेरा कि शिव मंदिर में अगर कोई भी व्यक्ति टॉयलेट करेगा तो हम उसे कम से कम पवित्र तो कर ही सकते हैं। इसको पवित्र करने में कौन सी अव्यवस्था फैल रही है, कौन सी अराजकता फैल रही है, लेकिन पुलिस है कि जाने हमें जाने नहीं दे रही है। हमने पुलिस से कह दिया है या तो हम ताजमहल के अंदर जाएंगे या आप हमें जेल भेजो। किस धारा में जेल भेजोगे, फिर हम आपसे कोर्ट में बात करेंगे।